अगर आप YouTube को लेके सीरियस हैं, आप चाहते हैं आपका चैनल ग्रो करे, आपका सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूज बढ़े, तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर आपको फोकस करना होगा और स्मार्ट थिंकिंग करना होगा। किस तरह इसको करते हैं, सिंपल कुछ वे है जिसको मैं आज एनालिसिस करूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देख ले, चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दे, एक लाइक और नीचे अपना वैल्यूएबल ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन में जरूर दे दोस्तों। सीधा मुद्दे पे आते हैं, अगर आप अच्छे यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपको पहचानना होगा कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो आपको देखना होगा। पहले जितने सारे पुराना, लगभग एक साल पुराना और सिक्स मंथ पुराना अगर कोई भी वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो वो सारे देखना बंद कर दें। क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम वन ईयर या सिक्स मंथ के अंदर ये चेंज हो जाता है, पिक्यूलियर बिहेव करता है यूट्यूब एल्गोरिदम। इसीलिए सबसे पहले आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो YouTube के ऊपर देता है उसका 6 महीने पुराना कोई भी वीडियो देखना नहीं है। मनचाहा कोई भी टॉपिक्स उठा लिया, वीडियो बना दिया, ये करना छोड़ दे पहले। एक एग्जांपल सुनिए, आप फिशिंग करने गए हैं कोई भी तालाब में, लेकिन वहाँ फिश ही नहीं है, तो आप सारा दिन बैठे रहेंगे, आपको कोई फिश नहीं मिलेगा। सिंपली यूट्यूबिंग करना एक फिशिंग जैसा ही काम है। क्यों बता रहा हूँ, सुनते रहिए, आपको सारे आंसर मिल जाएगा। आपको वीडियो अपलोडिंग के बारे में ध्यान देना होगा, आपको स्ट्रेटेजी फिक्स करना होगा किस तरह का वीडियो आप अपलोड करेंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि वीडियो दो तरह के होते हैं, करंट टॉपिक्स के ऊपर और एक ऐसे एवरग्रीन टॉपिक्स के ऊपर। तो आपको ये दो तरह का वीडियो को हर वक्त बनाता रहना होगा। जैसे कि एक एवरग्रीन टॉपिक्स जिसके व्यू आपको इंस्टेंटली नहीं मिलेगा, लेकिन ये एवरग्रीन होने के वजह से धीरे धीरे इसके ऊपर आपका व्यू आएगा। यही आपका चैनल का स्केलेटन होगा जो धीरे धीरे आपके चैनल के ऊपर व्यू और सब्सक्राइबर लाता रहेगा। इंस्टेंट टॉपिक्स के ऊपर अगर आप वीडियो बनाने जाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं आप मोबाइल के ऊपर वीडियो को रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इसको एडिट करने में लगभग 2-3 घंटा आपको लग जाएगा। तो हो सके अगर आपके पास कोई शॉर्टकट हो तो उसमें आप वीडियो को बना के इंस्टेंटली दे सकते हैं। क्वालिटी का ध्यान आपको रखना होगा, जैसे साउंड और वीडियो क्वालिटी और प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं। नहीं तो देर अगर हो जाएगा तो उसको अपलोड करने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये वीडियो 4 से 5 दिन तक चलेगा। अगर इसके ऊपर 5 से 6 हजार व्यू अगर आपके आते हैं तो इस तरह का वीडियो आप बनाइए, नहीं तो 200-300 व्यू अगर आते हैं तो इसको आप छोड़ ही दीजिए। एक क्वेश्चन है, आप SEO के ऊपर कितना ध्यान देते हैं? मैं जानता हूँ 80% यूट्यूबर वीडियो को बना देते हैं जल्दी से जल्दी, फिर अच्छा सा एक थंबनेल बना देते हैं, फिर वीडियो को जैसे तैसे कोई टाइटल टैग्स देके अपलोड कर देते हैं। ये करना छोड़ दें। अगर आपको वीडियो बनाने में 1 दिन समय लगता है, थंबनेल बनाने में आपको 1 घंटा समय लगता है, तो आपको SEO के ऊपर 2 दिन खर्चा करना होगा। क्यों बता रहा हूँ, SEO ठीक नहीं होगा तो आपके वीडियो रैंक नहीं करेगा, रैंक नहीं करेगा तो आपके सारे जो मेहनत है वो बेकार जाएगा। SEO को आपको ठीक करना होगा। SEO मतलब कौन सा टैग रैंक कर रहा है, कौन सा टाइटल रैंक कर रहा है, ये आपको पहले ढूंढ ढूंढ के निकालना होगा दोस्तों। इसके लिए आप ट्यूब बडी को यूज कर सकते हैं, जो फ्री वर्जन में आता है, मोबाइल में भी चल जाता है। बातों बातों में थंबनेल बनाने का एक टिप आपको दे देता हूँ। जितने सारे बड़े कंपनी का होर्डिंग्स है उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, उसको आपको याद रखना होगा। हो सके तो आप उसका एक फोटो खींच के रखिए, जस्ट वही कलर कॉम्बिनेशन को आप यूज करें, क्योंकि हर वो बड़े बड़े कंपनी जो कलर होर्डिंग्स बनाता है उसके ऊपर बहुत सारे इंजीनियर्स, जो कलर इंजीनियर्स होते हैं, उसका मेहनत छुपा होता है दोस्तों। वो लोग उस कलर कॉम्बिनेशन यूं ही नहीं डाल देते, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक होते हैं। तो सिंपली आपको कॉपी करना है वो सारे होर्डिंग्स के अंदर यूज किया हुआ वो कलर कॉम्बिनेशन। वीडियो जब आप मोबाइल से अपलोड करेंगे और लैपटॉप या डेस्कटॉप से जब अपलोड करेंगे, 2-3 बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। जब आप वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, जिसका टाइटल है वो टाइटल आपको डिस्क्रिप्शन में डालना ही होगा। जो टैग्स होते हैं वो आपको टाइटल में डालना होगा। जो टाइटल लेंथ है वो टाइटल लेंथ को आपको ध्यान में रखना होगा। मैक्सिमम 6 या 7 वर्ड के अंदर इसको आपको कंप्लीट करना होगा। जब अपलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा तब आपको एंड स्क्रीन और कार्ड को लगाना होगा आपके अपलोडेड वीडियो में। वीडियो के आखिर में पहुंच गया हूं एक अल्टीमेट टिप्स जो 100% यूट्यूबर फॉलो नहीं करते। आप क्या जानते हैं कौन सा फाइल फॉर्मेट रिकमेंडेड है YouTube के लिए और कौन सा ऑडियो फॉर्मेट रिकमेंडेड है YouTube के लिए? कोई ध्यान नहीं रखता। स्क्रीन में जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है वहाँ देखिए, रिकमेंडेड वीडियो बिटरेट्स फॉर SDR अपलोड्स। यहाँ SDR मतलब स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज, और एक देखिए रिकमेंडेड वीडियो बिटरेट्स फॉर HDR अपलोड्स। तो इस
HDR को आपको छोड़ ही देना होगा, हम लोग जनरली HDR मोड में ही वीडियो को अपलोड करते हैं। यहाँ देखिए कुछ परसेंटेज, जैसे कि 4K वीडियो आप अपलोड करेंगे उसका बिट रेट्स होना चाहिए 35 टू 45 Mbps, जो वीडियो क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। फिर देखिए 1080p पे जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो 8 Mbps यहाँ होना जरूरी है। अगर हम 720 पे अपलोड करते हैं तो 5 Mbps होना जरूरी है। 480p में जब अपलोड करेंगे तो 2.5 Mbps में होना जरूरी है। 360p पे अगर अपलोड करेंगे तो 1 Mbps होना जरूरी है। फ्रेम रेट क्या है, 24, 25 या 30। तो जनरली हम लोग जो वीडियो को एडिट करते हैं वो 30 से 24 के बीच में ही करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन Mbps पे ध्यान देना होगा। मेरे पास एक सिंपल टिप्स है, इसको आप देख भी सकते हैं, कहाँ देखेंगे अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपको वहाँ इन्फॉर्म कर दूंगा। सिर्फ वीडियो क्वालिटी ठीक करने से काम नहीं बनता दोस्तों, YouTube और एक चीज को रिकमेंड करता है जो ऑडियो क्वालिटी है। अगर आप मोनो टाइप ऑडियो को अपलोड करते हैं उसका बिट रेट क्या होगा, 128 kbps। अगर स्टीरियो करते हैं तो 385 kbps। अगर 5.1 ऑडियो को अपलोड करते हैं तो 512 kbps। ये सारे कोई ध्यान में नहीं रखता। अगर ये सारे ध्यान में आप नहीं रखेंगे तो परफेक्ट क्वालिटी वीडियो किस तरह अपलोड होगा। तो ये सारे दोस्तों अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके पास 80% चांस है आपका चैनल ग्रो करेगा इन फ्यूचर। तो होप दोस्तों ये छोटा सा टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते बोल रहा हूँ, इस चैनल को आप लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपना वैल्यूएबल ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दे और घंटे को बजाना मत भूलिएगा। ओके, चलिए बाय दोस्तों, और कोई दिन और कोई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। चलिए बाय।